हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से आई वैकेंसी 6875 पोस्ट पर एएसओ, कानूनगो, अमीन और लिपिक की, जैसा कि आप सभी को पता है, और स्पेशल सर्वे अमीन की सबसे ज़्यादा बम्पर भर्ती आई हुई थी 4950 पर। चार पोस्ट की रिजल्ट घोषित कर दी गई है, जैसा कि आप सभी को पता ही है, और एक पोस्ट जिसमें अमीन का था, आईटीआई वाले कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे, अमानत की डिग्री जिनके पास था वो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे 550 पोस्ट पर, उनकी बस रिजल्ट देना बाकी है, बाकी सबका आ चुका है। और आप लोग को बताना चाहेंगे, दो पोस्ट है जिसमें क्लर्क और कानूनगो हैं, इन दोनों पोस्ट का ज्वाइनिंग डेट भी रिलीज कर दिया गया है, बहुत सारे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया है, करीब करीब सारे कैंडिडेट को दे दिया गया है। और इन सभी कैंडिडेट को क्लर्क का, जैसे कि आप सभी को पता है, 20 तारीख से ज्वाइनिंग होगी और 23 तारीख से आप लोग की जो है कानूनगो की ज्वाइनिंग होगी। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं अमीन की ट्रेनिंग को लेकर, 5500 अमीन जो बहाली हो रहे हैं इनकी ट्रेनिंग को लेकर एक अपडेट आ रहा है, और 2136 डाटा ऑपरेटर की एक नई वैकेंसी आएगी, इनकी भी नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से दोनों कवर अप करने वाले हैं, 2136 और 5500 अमीन की ट्रेनिंग को लेकर। आइए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास LRC बिहार से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आती रहे। आइए जानते हैं क्या है पूरा का पूरा अपडेट। जैसा कि देख रहे हैं, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाला गया है, जमीन व वंशावली कि अपने स्तर से दे सकेंगे जानकारी। और ये देखिए, अब आम लोग जमीन सर्वे में अपने स्तर से जानकारी दे सकते हैं, इसी में आप लोग को पता लगेगा 5500 अमीन और नए जो नियुक्त होने वाले हैं डाटा ऑपरेटर उनके बारे में। जैसा कि देख रहे हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से सर्वेक्षण कार्य के लिए एक नई वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in लॉन्च की है, और इसी वेबसाइट पर आप लोग का भी वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आ रहा है, तो आप लोग इस पे भी विजिट कर सकते हैं लगातार। इस वेबसाइट पर जमीन सर्वेक्षण संबंधी सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गई है, खासकर वेबसाइट से प्रपत्र 2 दिया गया है, जिसे डाउनलोड कर आम रैयत अपनी जमीन का ब्यौरा भरकर सर्वे शिविर प्रभारी को हाथों हाथ दे सकते हैं। इसके अलावा प्रपत्र 3 में वंशावली भरने के लिए दिया गया है, जिससे भी लोगों को बड़ी सुविधा होगी। खास बात यह है कि रैयत से कागजात लेने पर शिविर प्रभारी को पावती रसीद देनी होगी, जो रैयत के पास सबूत के तौर पर रहेगी। गौरतलब है कि अप्रैल माह से राज्य के लगभग 30 जिलों में जमीन सर्वेक्षण की शुरुआत की जा सकती है। जैसा कि देख रहे हैं, 30 जिलों में जमीन सर्वेक्षण की काम शुरू होने वाली है। इसके लिए 5500 अमीनों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, 5500 अमीन का जो है प्रोसेस में है, आप लोग का ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है ये प्रोसेस में लगा दिया गया है। इस दौरान अंचलाधिकारी से लेकर अन्य कर्मचारी लोगों के जमीन संबंधी जानकारी लेंगे। फिलहाल 3 डिस्ट्रिक्ट है, बेगूसराय, शेखपुरा और सुपौल के एक एक अंचलों में सर्वे का काम चल रहा है। जैसा कि देख रहे हैं, आप लोग का 5500 अमीन की जो है ट्रेनिंग का जो है प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, और जल्द ही आप सभी का लेटर जारी कर दिया जाएगा, और जिनका रिजल्ट अभी बाकी रह गया है 550 अमीन का, उनका भी रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जाएगा। आप लोग का रिजल्ट तैयार है, और आइए जानते हैं नेक्स्ट आप लोग का जो है डाटा ऑपरेटर का। यहाँ देखिए, ये अपडेट है आप लोग का डाटा ऑपरेटर वाले कैंडिडेट के लिए, 174 अंचलों के लिए 35 करोड़ से अधिक जारी। अगले वित्तीय वर्ष से राज्य के सभी 534 में से 426 अंचलों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की सुविधा शुरू की जानी है। 174 के अलावा शेष अंचलों के लिए 107 करोड़ 33 लाख की राशि स्वीकृत है, जो अगले वित्तीय वर्ष में जारी की जाएगी। प्रत्येक अंचल में 4 कंप्यूटर और उसके संचालन के लिए 4 कंप्यूटर ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली की जानी है। जैसा कि देख रहे हैं, 4 कंप्यूटर पर 4 डाटा एंट्री की बहाली की जानी है। शुरुआत में यह बहाली संविदा आधारित होगी, जिसे बाद में नियमित करने का प्रस्ताव है।
कैबिनेट से स्वीकृति के बाद 2136 डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाए उसके बाद आप लोग की बहाली कर दी जाएगी 2136 डाटा ऑपरेटर की। और अमीन के रिगार्डिंग जो भी अपडेट आता है आप लोग का तो इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। LRC बिहार से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।